आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 8.2.2। ये 8.2 क्लॉज के अंडर में आता है, ISO 9001:2015 का क्लॉज है ये, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और इसमें सब क्लॉज 8.2.2 डिटर्मिनिंग दी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो आज हमारी चर्चा इस क्लॉज के ऊपर होगी और चर्चा होगी हिंदी भाषा में। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, इस बार भी आपको जो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में दी हुई है उसको पहले पढ़ के बताऊँगा, उसके बाद इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्लॉज नंबर 8.2.2 डिटर्मिनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। व्हेन डिटर्मिनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी ऑफर्ड टू कस्टमर्स, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर दैट ए और बी, दो पॉइंट हैं इसमें, ए में देर आर टू पॉइंट्स, ए द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर डिफाइंड इंक्लूडिंग नंबर वन एनी एप्लीकेबल स्टेट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड नंबर टू दोज कंसिडर नेसेसरी बाई द ऑर्गेनाइजेशन, और बी है द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द क्लेम्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट ऑफर्स। सो ये है छोटी सी रिक्वायरमेंट और अब हम इसकी चर्चा करते हैं विस्तार में। तो जैसा कि रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है, ये संस्थान को पता लगाना है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हम अपने कस्टमर को देने जा रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्योंकि हमें जब कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करनी है तो भाई ये तो बताना होगा कि भाई क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या सर्विसेज हैं। तो उसका पूर्ण रूप से हमको पूरी तरीके से आइडिया होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट हैं हमारे और क्या सर्विसेज हैं जो हम अपने कस्टमर को देने जा रहे हैं। और इसमें जब हमें ये पता लगाना है तो सबसे पहली चीज़ है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें डिटरमिन करनी है, पता लगानी है और उसको लिखित रूप में डालना है। जो भी हम ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने के लिए इन बातों का ध्यान रखेगा। ए, द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर डिफाइंड, कि भाई जो इनकी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट और सर्विसेज की उनको पूरी तरीके से समझ के लिखा जाए। एनी एप्लीकेबल स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कोई भी अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है या स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है तो वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। और दोज कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हम देते हैं तो कई तरीके की रिक्वायरमेंट होती हैं। एक तो ये कि जो कस्टमर को क्या चाहिए उसकी हमें समझ होनी चाहिए, तो रिक्वायरमेंट एज स्टेटेड बाय द कस्टमर। दूसरा होता है कोई भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट में शामिल होनी चाहिए ताकि उसको क्लियरली कंप्लाई कर सकें हम लोग। और साथ में जो भी हमारे संस्थान को लगता है कि ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है इस प्रोडक्ट के लिए या इस सर्विसेज के लिए, वो भी हमको प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट में ऐड करना ज़रूरी है, उसको डालना ज़रूरी है। और बी इसमें यह है कि द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द क्लेम्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इट ऑफर्स, कि हम जो भी क्लेम कर रहे हैं कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उसमें हम कुछ क्लेम कर रहे हैं कि भाई रिक्वायरमेंट हमारी प्रोडक्ट की ऐसी ऐसी होंगी, ये हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो हैं वो इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसमें द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द क्लेम्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इट ऑफर्स, तो हम जो क्लेम कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कि हम ये अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं और कस्टमर हमसे वही उम्मीद करता है कि जो हम उसको बोल रहे हैं वही चीज़ हम उसको देंगे, तो वो सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होनी चाहिए।
तो ये हमारा क्लेम जो है वो पूरी तौर से क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ, हम जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर को बता रहे हैं वो रिक्वायरमेंट हम पूरी करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को हमें समझना है, लिखित रूप में डालना है और ये ध्यान करना है कि सारी रिक्वायरमेंट उसमें आ जाए। जो ऑर्गेनाइजेशन समझता है कि क्या ज़रूरी है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है या कोई भी और एनी अदर रिक्वायरमेंट, तो जो भी संस्थान को ज़रूरी लगता है वो तो ज़रूर उसके अंदर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हम एक वायदा कर रहे हैं कस्टमर से कि भाई ये प्रोडक्ट या ये सर्विस हम आपको देंगे। तो जो भी हम वायदा कर रहे हैं उस पर हम खरे उतरने चाहिए, मतलब सारी वो रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर को पूरी तौर से मिलनी चाहिए। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का क्लेम है वो ठीक उतरना चाहिए, सही सही, मतलब हम जो क्लेम कर रहे हैं उसको पूरा करने की स्थिति में होने चाहिए। तो ये थी छोटी सी रिक्वायरमेंट और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं है तो भाई इस वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट दे सकते हैं, मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद है कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई मुझे थम्स अप भी दीजिए, मुझे लाइक भी दीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जो भी नॉलेज हम आपस में बांट रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी कि भाई ये वीडियो लोड हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपको ISO 9001:2015 की ये रिक्वायरमेंट 8.2.2 डिटर्मिनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये पूरी तौर से समझ में आ गई होगी। और फिर मिलते हैं अगले रविवार को अगली रिक्वायरमेंट के साथ, वो है 8.2.3 रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो धन्यवाद मेरी चैनल को देखने के लिए, और अगले रविवार तक बाय बाय, नमस्ते।